अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप देख रहे हैं और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करने के आया हूँ, बट आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मुझे मौका मिला शूट करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, और मेरा मकसद यही था आने के लिए कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आप यहाँ आओ और एहतियात करो, और आपको मैं भाई से पूछ सकता हूँ और आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप तो यहाँ के रिहायशी हो जी, तो आपने कोई हादसा वगैरह कुछ देखा हो तो कुछ गाइड करोगे यहाँ पे? भाई जान, यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं, ट्रेन में बंदे भी कटते रहते हैं, जानवर वगैरह बहुत कटते हैं, इसीलिए मैं मशवरा देता हूँ कभी भी यहाँ पर आओ, ज़रा एहतियात करो, ख़ास तौर पे बच्चों को रेलवे लाइन पे ना आने दो। बस यही हम चाहते हैं कि आप आगे से अपना सपोर्ट में रहो और अपनी एहतियात करो, और आपको हम वो पट्टी दिखा दें जहाँ हादसे होते हैं। सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर लगी हर चीज़ है, मगर क्या बच्चे खास तौर पे आते, वो पतंगों के चक्कर में आते, बहुत से हादसे होते, आगे नहर है, इस तरफ पानी है, काफ़ी गहरा पानी है, बच्चे उसमें डूब भी जाते हैं। तो भाई आप हमें ले सकते हो वहाँ जहाँ नहर बनी हुई है, वहाँ पे आप दिखा सकते हो हमें जी, जी, आ जाओ आ जाओ। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पर, इस भाई के साथ हैं, हम यहाँ के रिहायशी हैं, और आप हमारे साथ मस्जिद के साथ वीडियो के साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।